हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत जल्दी इंट्रो करूँगी क्योंकि आई हैव टू लीव। आज मैं जा रही हूँ मम्मा की तरफ, बट मम्मा को पता नहीं है। मम्मा दो तीन दिन से मिन्हा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, तो मैंने उनको कहा था कि मैं फ्राइडे को आऊँगी, बट उनको नहीं पता है कि आई एम कमिंग नाउ। इट्स टुडे इज थर्सडे। मैंने कहा वीकेंड का व्लॉग जो है मैं वो थर्सडे से स्टार्ट कर लूँ, और मिन्हा इज स्लीपिंग, इसीलिए मैं थोड़ा आहिस्ता भी बोल रही हूँ। अब मिन्हा का बैग मैंने रेडी कर लिया है, अपना बैग रेडी कर लिया है, सब चीज़ें रेडी कर ली, क्योंकि मैं शायद संडे तक मम्मा की तरफ ही हूँ, क्योंकि कुछ प्लान्स हैं कज़न्स के साथ, और हो सकता है कोई और सिंग भी हो, मैं आपको बताती रहूँगी। और मुझे अपनी फ्रेंड्स के साथ सैटरडे का प्लान है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह, और क्यों जाना है वो भी शेयर करूँगी। बाकी ये है जशान जो है, जशान ने कहा कि आप अपने बाबा के साथ चली जाओ, क्योंकि बाबा जो है अपनी बेकरी पे होते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें वापसी में पिक कर लूँगा। मैंने उनको कहा, बता दिया था कि मम्मा को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आपके साथ घर आ रही हूँ। तो मैं तैयार हो गई हूँ, अभी मिन्हा को उठा के तैयार करते हैं, फिर चलते हैं। और एक और चीज़ ये कि मेरा फ्रेम टूट गया जो कि वहाँ लगा हुआ था, और अब मैं इसको दोबारा से बनवाऊँगी क्योंकि मुझे ये फ्रेम बहुत पसंद है। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि मैंने अपना सारा स्किन केयर निकाल के ना यहाँ सेटअप कर लिया है, और ये कॉर्नर बहुत ही प्यारा लग रहा है, तो मैंने सोचा है कि इसको मैं फ़िलहाल यहीं रखूँ, बाकी जब फ्रेम बनवाना होगा तो बनवा लेंगे। मैंने बहुत एक अच्छा सा गिव अवे भी सोचा है, अगर इस वीडियो पर बहुत अच्छे व्यूज़ आए तो आई विल गिव अवे समथिंग वेरी स्पेशल एंड समथिंग वेरी गुड। बाकी है कि जिशान आप ज्वाइन करेंगे मुझे? जिशान इज सेइंग नहीं, अभी मुझे भूख लग रही है। बस जिशान जिशान का इस्तरी करना इस जिशान मत बनाओ ऐसी शक्लें, इस्तरी करने का स्टाइल चेक कर। अबे भाई फिर वो आ जाएगा, पता नहीं जिशान भी नीचे बैठ के इस्तरी कर रहा है, जा रही है। ट्राउजर जो है वो ग्रे कलर का था, नजर आ गया। कमेंट्स आते ना, चलो बाय बाय बाय। आप मुझे मिस करोगे? मुझे तो मिस ज्यादा मिस करोगे अपनी बेटी को। जब भी मैं बुरे हाल में होता हूँ ना, हाँ। तो मैं फॉरजेशन आओ, मैं तुम्हें व्लॉग में लेती हूँ, और जब मैं तैयार हुआ होता हूँ तो पूछती भी नहीं हूँ। तीन दफा ये पर्पल वाली टी शर्ट व्लॉग बन चुका है मेरा, लोग समझते हैं कि कपड़े बेचारा बदलते ही नहीं है भाई, मैं और भी कपड़े पहनता हूँ यार। ये जिशान की नहीं, ये असल में मेरी शर्ट थी जो जिशान ने चुरा ली मुझसे। मैंने चुराई है? यस। खुद बोलियो पहन लो, मैंने पहन ली, और घर भी तो पहननी है, कौन सा बाहर पहन के जा रहा हूँ। राइट, ये और कभी मैं बिल्कुल जांगे में आऊँ ना, उसमें दिखाना मुझे। और अपार्टमेंट तो बाबा ने हमें पिक कर लिया है, बाबा किसी काम से गए हैं, तो अभी जो है मैं उनका वेट कर रही हूँ। और मिन्हा गाड़ी में आते ही सो जाती है, मिन्हा की एक आदत है, गाड़ी में मिन्हा नहीं जाती, गाड़ी में मिन्हा सो जाती है, तो मेरे लिए ये अच्छा पॉइंट है। सेकेंड थिंग इज दैट बस घर निकलते हैं, घर निकलते ही आपको मम्मा के रिएक्शन दिखाते हैं। बाबा लेके जा रहे हैं मिन्हा को। हमारा तो एक हफ्ते पुराना प्लान था। नायबा तुम कितनी बदतमीज हो। मेरा शद का बेबी शद का। मैं तोड़ दूंगी, मैं अपनी गरीब दुकान। अब मुझे कुछ खिला दो चमाट, क्योंकि गैस तो आती नहीं है। चली जाती हूँ मैं, गैस तो आती नहीं है। मिन्हा नहीं जाएगी, आप जाओगी? हाँ मैं जा रही हूँ। आप नहीं जाओगी? मिन्हा कह रही मैं जा रही हूँ, वो कह रही मैं पर्दों से खेल रही हूँ। ये हो जाता है जब बेटी की बेटी हो जाती है, कोई भी हो, बेटा हो बेटी हो, जो भी हो जाती है, तो आपकी नो एंट्री हो जाती है, फिर मेरी गुग्गो की जगह हो जाती है। एवरीवन गुड मॉर्निंग, एंड मिन्हा इज स्लीपिंग, और मुझे व्लॉग स्टार्ट करना था, तो मिन्हा जो है फजर पे उठ गई थी, उसके बाद मम्मा मिन्हा को देख रही थी, मैं सो गई थी, और फजर के बाद से मेरे ख्याल से मिन्हा सोई नहीं है। तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि शायद सो जाए, और अभी आज है फ्राइडे, और अभी टाइम हो रहा है 2:30 आई थिंक, सो आई एम ट्राइंग कि मिन्हा अभी सो जाए,
क्योंकि सोई नहीं है, और जब सोई नहीं होती तो बहुत क्रैंकी हो जाती है। सी व्हाट इज शी डूइंग। मुस्तकिल अपना मुँह ना ऐसे ऐसे करती है, जब इसको मैं वर्ब दिलाने की कोशिश करती ना तो मुस्तकिल ऐसे 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 ऐसे, पता नहीं क्यों। खैर अभी मुझे करना है नाश्ता, मैं जस्ट उठी हूँ, मुझे बहुत नींद आई हुई थी, आज मैंने अपनी नींद भी पूरी की है। तो अभी नाश्ता करते हैं, अपनी जो एनर्जी उसको वापस लाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अपने घर का कचरा खुद उठाओ ना, मुझे क्यों बोल रही हो। सही बात है वैसे। तो सीन ये है कि नाश्ता मैंने कर लिया है, मैं व्लॉग कर रही हूँ, प्लीज इंटरप्ट नहीं करना, इंटरप्ट ना करे मेरे व्लॉग। नाश्ता मैंने कर लिया है, और नाश्ता बोला मैंने, नाश्ता मैंने कर लिया। हमने सोचा है कि हम रात में बनाएंगे पिज्जा, तो उसका सामान ये बैकग्राउंड म्यूजिक देना बंद करो, उसकी जरूरत नहीं है अभी। तो मैं लेने जाऊंगी अभी सामान, देखते हैं सामान मिलता है पूरा, अल्लाह करे मिल जाए। वैसे तो मिल ही जाएगा, हर स्टोर पे सारा सामान होता ही है आजकल। सब्जी होती है, नहीं होती, इम्तियाज पे होती है, सेविंग पे नहीं होती, तो कोई बात नहीं। ओके। खैर तो हम बनाएंगे पिज्जा, आपसे शेयर करेंगे ख्वाबों में। और यार मत करो, मेरा प्लान मत चौपट करो, हमेशा यही होता है। तो जो है बड़ी मुश्किल से मैंने मिन्हा को सुलाया है, क्योंकि नानी से तो मिन्हा सो नहीं रही थी, इसलिए मिन्हा मेरे पास बाप बेटी, अल्लाह की कसम ये दोनों बाप बेटी एहसान फरामोश है। मैंने मजाक किया, अब मजाक नहीं समझती आप। खैर तो अभी जो है हम मैं जाऊंगी सामान लेने, हम जाएंगे या मैं जाऊंगी मुझे नहीं पता, ग्रॉसरी करने। तो फिर आपको बताते हैं हमने क्या लिया। और पिज्जे की 3 रोटियां लेंगे ना, क्योंकि इतने बड़े बड़े जिन हैं खाने वाले। अगर उन जिनों ने ये व्लॉग देख लिया तो मैं तो गई काम से। अगर अवश्य देखेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे। तो मैं फटाफट से जाके अब पिज्जे का सारा सामान ले आई थी, ये पिज्ज़ा की रोटियां हैं, और ये जो है पिज्ज़ा चीज़ है एडम्स की आई थिंक ये, और यहाँ पे हमारी चिकन है, यहाँ पे सारे मसाले हैं, और यहाँ पे हमारी अम्मा हैं जो कि चिकन को मसाला लगा रही हैं फिलहाल। देन हम सारे आगे का प्रोसेस आपको दिखाएंगे। मैंने इसके अंदर ये मस्टर्ड है ना, नहीं सॉस है, ये सॉस है, और हरी मिर्ची डाली है, पेपरिका, अब इसमें पेपरिका डल रहा है, फिर इसमें डलेगा ये चिली सॉस, उसके बाद इसमें डलेगा सोया सॉस, चिली सॉस यहाँ डल रहा है, सोया सॉस, देन ये क्या है विनेगर, उसके बाद डलेगा ऑयस्टर है ये ना, यस अच्छा गैस किया मैंने, ऑयस्टर है, उसके बाद चाट मसाला है, क्या है ये चाट मसाला, ये ना चाट मसाला है, फिर ये मस्टर्ड है, देन ये दोनों चीज़ें क्या हैं ये मुझे नहीं पता, बाकी ज़िशान बाहर आ चुके हैं, आपको ज़िशान से भी मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैफ हाल है, वाला खैरतून, भूख लग गई यार। अभी बनेगा, फौरन बन जाएगा, देर नहीं लगेगी। जिम के बाद तुम भूखे को वेट कराती हो यार। कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट, थोड़ा मुझे सा पता ना, मैं बाहर से मैं मिल्शेक या कोई लस्सी वगैरह लेकर आया, मैं पता तुम्हें बोलने वाली थी कि अपने लिए मिल्शेक ले लूं, मैं फौरन से मैं कोई बाहर से बनाना शेक वगैरह पकड़ लेता दूध। यहां जो है चिकन मिक्स हो रही है, और जितनी मैं डिटेल दिखा सकूंगी उतना हम दिखाएंगे, क्योंकि यू गाइस नो हाथ हमारी अम्मा का ही लगेगा, हम सिर्फ वीडियो बना रहे हैं और आपको सिर्फ रेसिपी दिखा रहे हैं कि हमारी अम्मा कैसे बनाती है। यहाँ पे बकरे की कढ़ाई बनी थी जो कि सिर्फ इतनी सी बची है, चट कर दी हमारे घर में। और अभी क्या डाल रहा है, फूड कलर, ये फूड कलर डल रहा है इसके अंदर, इसमें भी कुटी हुई मिर्च भी डली है, कुटी हुई मिर्च, और 2 चम्मच डाली है अम्मा ने, ये वाला चम्मच, और इसके अंदर अब डलेगा चिकन पाउडर, इतनी ही तादाद में। चिकन पाउडर का जो है ना फ्लेवर अलग ही आता है, क्योंकि मैं चाहे ऑमलेट खाऊँ चाहे कोई भी चीज़ खाऊँ, मुझे चिकन पाउडर ज़रूर चाहिए होता है।
मैं जब कोई चावल वगैरह भी बना रही होती ना उसके अंदर पहले हमारी अम्मा चिकन पाउडर डालती थी ना, तो वो बहुत मजे का लगता था। सिर्फ मैं तो सिर्फ चावल भी खा जाती थी। तो ये वाला सीन है, सारी चिकन जो है इसके अंदर फ्राई होगी ताकि थोड़ा सा ये फ्लेवर, इस फ्लेवर को क्या कहेंगे हम, टिक्का। ये हम जो बना रहे हैं ना फ्लेवर पिज्जे का, ये टिक्का फ्लेवर है। और मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है क्योंकि इसकी जो मैरिनेशन की जो खुशबू है ना वो बहुत ही बड़ी मज़ेदार है। और जैसे ये फ्राई हो जाएगा और जब हम पिज़्ज़ा स्टार्ट करने लगेंगे ना, मैं वो उसको क्या कहते हैं, जब हम सब चीज़ें असेंबल करने लगेंगे तो फिर हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि ये मैरिनेशन दिखा दी, बस ये चिकन जो है ना ये पिज़्ज़ा के ऊपर डलेगी और ओवन आएगा बाहर। ओवन का क्या सीन है तुम्हारी अलमारी के ऊपर पड़ा? अभी जैसे ही बाहर आएगा हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे और खा के भी दिखाएंगे कैसे। पूरी नहीं आ रही क्या रोटी? हमारा हो गया तैयार। ओए होए 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 होए, ये तो फुल एंड पिज़्ज़ा लग रहा है माशाल्लाह। बाहर लेके जाऊँ? चले जाओ। ऐसा लगता है आपको अभी अभी से रिव्यू मत दें, आप पहले खाएं फिर दें। चलो जान। हाँ नहीं नहीं तस्वीर नहीं खींच, उल्लू बनाते तो आप क्यों तस्वीरें खींच रहे हो? आप क्यों तस्वीरें खींच रहे हो? हाँ वीलॉग बना रही हूँ। तो मैं नहीं बना सकता तो बनाओ, आपको आपको कौन मना कर रहा है? कितने स्लाइस करने? 6 या 8? आप अपने जो है ना बस स्लाइस पिज़्ज़ा आया नहीं, स्लाइस गिन लेता पहले, इतने मेरे इतने तुम्हारे। ओह बहुत गर्म। इतना गर्म खाने को किसने? कैसा है चप चप नहीं करें, ये बताएं कैसा है? ओए होए 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 होए, चीज तो देखो कैसे मुझे जल गया। मेरा तो कैसे मशीन में डाल दिया। अब ये कुछ आ गया तो नमक का सा भाई, इतना कोई वीआईपी पिज्जा मिला है ना, जिसको भी ऑर्डर करना है फटाफट मुझे मैसेज कर दे, मैं भी मुंह में ठूस के आया। बहुत ही वीआईपी पिज्जा बना भाई, अलग ही टेस्ट आ रहा है, अलग ही जबरदस्त जबरदस्त। अभी तो उसमें मेरे ख्याल से कैप्सिकम और वो नहीं है ना, एक और चीज होती है। अच्छा जी, तो आज है संडे और ब्लॉग जो है मैं यहीं पे एंड करूँगी, छोटा सा और बहुत ही मिनिमल सा ब्लॉग था। आई होप यू गाइज लाइक इट, और कॉमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। सो या आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह। सो या तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ़, बाय बाय।